गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस सुबह हो चुकी है, आप देख सकते हो बाहर, अभी सुबह हो चुकी है और अभी दुकान उकान जमाएंगे, दुकान भर के रखिए तीन परातियाँ में। तो गाइस अभी देख सकते हो आप, भाई साहब सोए हुए हैं, इनको दो तीन बार जगा दिया, जग ही नहीं रहे भाई साहब, तो आप ही जगा दो इनको। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो गाइस ये सो रहा है, अभी भी 7 बज गए, 7 बजे भी सो रहा है ये। चाय के लिए बोलता हूँ, चाय पी ले, लेकिन नहीं पी रहा, सो रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। गाइस नींदों में है ये, ऐसे बोल रहा है गुड नाइट, अभी सुबह हो गई, गुड नाइट बोल रहा है। सब भाई साहब की प्लानिंग ये है, अभी यहाँ से उठा लिया खाट को, यहाँ पे डरी हुई थी अभी खाट, यहाँ से उठा लिया और अभी जाके वहाँ पे ढार रहे हैं खाट को। अभी इनका इनका प्लान ये है कि यहाँ पे सोएंगे। भाई पहले चाय वाय पी लेते हैं, चाय टोस्ट। तो गाइस देख सकते हो चाय चाय टोस्ट चाय नाश्ता आ गया है, तो अभी चाय वाय पी रहे हैं भाई साहब और फिर वापस सो जाएंगे, इनको कोई टेंशन नहीं है, आराम से सोएंगे और मैं जमाऊंगा दुकान। तो भैया आप कुछ कहना चाहते हो? चाय पियो। तो गाइस भाई साहब चाय पी रहे हैं, सर्दी में गर्मा गर्म चाय का आनंद लो। तो गाइस अभी दुकान पे सूरज भाई आ चुके हैं, सुबह हो गई और सूरज उग गए हैं, तो सूरज भाई आ गए हैं यहाँ पे सामान लेने। तो भैया क्या लोगे आप? दूध की थैली। दूध की थैली लेंगे। तो गाइस इनको दूध दे दिया है, और क्या लोगे? पेन। और पेन लेंगे, और टॉस, और कुछ के यहाँ पे हमारे बीच फैन दे दो मेरे को। तो भैया क्या लोगे आप? फैन। फैन और 2 रुपये वाली पत्ती, और 2 रुपये वाली पत्ती और बस। तो गाइस सूरज भाई ने कटिंग करा ली है, आप देख सकते हो साइड कटिंग। तो गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ आपको कैसी कटिंग लग रही है सूरज भाई की। और तो गुड मॉर्निंग गाइस, तो गाइस अभी उठ चुका हूँ मैं और अभी बज रहे हैं 7:30, आप देख सकते हो अभी 7:30 बज रहे हैं। तो अभी फिलहाल मैं उठ चुका हूँ और भैया पीछे दुकान जमा रहे हैं, अभी मैं दुकान के पीछे हूँ सो रहा हूँ। तो फिलहाल उठते हैं और अभी बाहर फ्रेश व्रेश होके आते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप सभी से। गाइस फाइनली हमने दुकान जमा ली है, आप देख सकते हो यहाँ पे। गाइस जो हमारी ये चिमटी है वो टूट गई है, तो अभी इसको वापस से रिपेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ इस प्रकार से रिपेयर होगी, ये यहाँ से कुछ इस प्रकार से लग जाएगी और ये फिर से हमारी जो चिमटी है वो तैयार हो चुकी है, इसको लगाएंगे यहाँ पे इसके ऊपर। तो गाइस अभी मेरे से तो लगी नहीं रही थी, वीके भाई ने कुरकुरे वगैरह लगा दिए हैं और हम दोनों भाइयों ने दुकान जमा दी है। तो गाइस देख सकते हो आप, तो गाइस अभी झाड़ू लगाना बाकी है, आप देख सकते हो कैसे कचरा हो रखा है, अभी झाड़ू वाड़ू फिनिश करते हैं यहाँ पे, उसके बाद देखना आप सभी। तो गाइस दुकान उकान को जमा चुके हैं हम, आप देख सकते हो दुकान पूरी जम चुकी है और वीके भाई यहाँ पे झाड़ू लगा रहे हैं, लग रहा है वीके भाई झाड़ू लगा रहे हैं। तो गाइस आर के भाई से तो यहाँ पे एक झाड़ू भी नहीं आता, ये देखिए कैसे टूटा हुआ झाड़ू है, इससे झाड़ू लगा रहे हैं यहाँ पे, क्या करें इससे लगा के टाइम पास करना पड़ता है। गाइस झाड़ू तो लाते हैं, क्या है फिर बार बार में टूट जाता है यहाँ पे, ये देखिए फर्श नहीं हो रही हमारे, तो इस वजह से झाड़ू चलता ही नहीं है ज्यादा दिनों, टूट जाता है जल्दी। रोटी भी एक ही बार खा लिया करो, बार बार में भूख लगती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
तो गाइस फालतू झाड़ू का खर्चा है, हम तो इसी से टाइम पास कर लेंगे। वैसे झाड़ू लगी रही है हमारी, इससे तो दिक्कत है ही नहीं, तब नहीं लगेगी तब दूसरा ले आएंगे। तो गाइस फाइनली हमारी दुकान जम चुकी है, बाहर देखिए कुरकुरे वुरकुरे लगे हुए हैं और अंदर से देख सकते हो आप, बाहर से सारी दुकान जम चुकी है हमारी। क्या सुंदर दुकान लग रही है हमारी। तो गाइस पूरी दुकान जम चुकी है हमारी और गाइस एक ग्राहक आ चुका है, क्या नाम है भैया आपका? लक्की भाई आ चुके हैं सामान लेने दुकान पे। तो हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहते हो लक्की भाई? तो गाइस अभी मैं बच्चों से मिलवाने जा रहा हूँ आपको, ये देखिए दो बच्चे हैं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और उनके हाथ में भी छोटे छोटे बच्चे हैं जिनसे ये खेल रहे हैं। और ये दोलू है और ये कालू है और ये मोटी है और ये कालू है। कालू कालू को ले रखा है और मोटी दोलू को ले रखी है। तो गाइस बहुत ही मस्त लग रहे हैं बच्चे और दो बच्चे उधर घूम रहे हैं। तो गाइस ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं हमारे गाँव के। तो कैसे मस्त लग रहे हैं बहुत ही, ये देखिए 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 क्या ही मस्त लग रहे हैं बच्चे। मोटी और दो बच्चे हो रहे उधर, टोटल चार बच्चे हैं। तो कैसे बच्चे तो काफी होते लेकिन वो मर गए और अभी चार बच्चे बच्चे हैं। बहुत मस्त मस्त बच्चे हैं। ये कालू बेटी, ये मोटी। तो गाइस इनकी मम्मी आ चुकी है और ये दूध पी रहे हैं, इनको भूख लग रही है, ये दूध पीने लग गए। कालू बेटी इनको ले जाके इनकी मम्मी के पास छोड़ेगा और ये बच्चे दूध पियेंगे। देखो कालू बेटी कैसे दूध पिला रहा है बच्चों को। ये मोटी आ गई, ये मोटी भी लेके जा रही है इनकी माई के पास, ये दूध दूध पिला रहे हैं इनको। तो गाइस झाड़ू देते हुए बाहर आ चुके हैं भैया, नाली को साफ कर रहे हैं। हमारी साड़ी उतर चुकी है दिवाली के बाद में, ये पहली साड़ी है, ये कंप्लीट हो गई है, 15 दिन लगे इसको उतारने में। तो गाइस फाइनली काफ़ी दिनों बाद हमारी साड़ी उतर चुकी है, काफ़ी दिन लगे इसको उतारने में। तो गाइस फिलहाल मैं आ चुका हूँ हमारे न्यू घर पे, खेतों में आ चुका हूँ अभी। और अभी भी क्या है, धूप निकल रही है लेकिन हल्की हल्की निकल रही है, इतनी ज़्यादा धूप नहीं निकल रही। तो थोड़ी सी धूप ऊप खाते हैं उसके बाद चलते हैं और साड़ियों का काम करते हैं। तो गाइस अभी तो सर्दी है और हवा भी ठंडी ठंडी चलती है। तो बाकी आप देख सकते हो अभी सूर्य निकल चुका है, सामने आ चुका है। तो गाइस अभी मैं नहा धो के भी आ चुका हूँ और दोस्तों मैं नहा रहा था और कपड़े धो रहा था तो मेरे जो पजामे के अंदर मेरा 10 का नोट रह गया था। तो दोस्तों अभी मैं नहा रहा था और मेरे पजामे के अंदर मेरा नोट रह गया था 10 का। तो ये देखिए ये 10 का नोट रह गया था, तो ये पूरा भीग चुका है, अभी धुप गया। गांधी जी भी नहा लिया आज, गांधी जी को मैंने नहा दिया, बहुत दिन हो गए इनको नहाए हुए। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको धूप में सुखा देता हूँ ताकि ये सूख जाए अच्छे से। तो अभी यहाँ पे रख देता हूँ मैं इस नींबू के पेड़ के ऊपर ताकि इसके जो धूप है वो लग जाए अच्छे से। तो गाइस मेरा 10 का नोट भीग गया और वो तो सही है, पूरा मैंने ध्यान दे लिया इसके ऊपर। मेरे जेब में 5 का सिक्का भी था, तो मैंने जब पजामे को ओंधा किया तो वो बाहर निकल के पड़ गया। फिर मैंने मुझे याद आया कि मेरे जेब के अंदर 15 रुपये थे, तो 10 का नोट भी निकाल लिया मैंने, वरना ये तो पूरा ही फिनिश हो जाता आज। तो अभी तो धूप में सुखा दिया है तो इसको सूखने देते हैं। और अभी बाल वाल बाता हूँ, बाल वाल अभी नहीं बाए हैं तो फटाफट से चलते हैं, बाल वाल बाते हैं उसके बाद मिलते हैं आप सभी से। तो गाइस फिलहाल हो चुकी है शाम और अभी मैं देखो हमारी जो यहाँ पे बगीचे है उसके अंदर पानी दे रहा हूँ। तो मैंने मोटर चला के आ गया और अभी यहाँ पे देखिए हमारे हरे भरे पौधों के अंदर पानी दे रहा हूँ। यहाँ पे हमारी जो हरी सब्जियाँ हैं उनके अंदर पानी लग रहा है और आप इधर देख सकते हो सूर्य अभी पहाड़ों के पीछे जाने वाला है। तो दोस्तों अभी फटाफट से इनके अंदर पानी देते हैं और हमेशा पेड़ों के अंदर पानी शाम को देना चाहिए क्योंकि रात की नमी होती है। तो दिन में तो देखो धूप पड़ती है तो जो पानी है वो पूरा सूख जाता है, तो इस वजह से जो पेड़ पौधे हैं वो अच्छे से पानी नहीं पी पाते। तो अभी हम शाम को दे रहे हैं ताकि रात भर जो इसके अंदर नमी है वो रहेगी।
तो अभी आप देख सकते हो हमारी पानी की मोटर चल रही है और अभी इसके अंदर पानी लग रहा है मस्त। तो गाइस फाइनली मैंने पौधों के अंदर पानी दे दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे पूरे पौधों के अंदर इधर पानी दे दिया है चारों तरफ, और जो हमारी सेम की फली है उसके अंदर भी पानी दे दिया, आप देख सकते हो अभी पूरा गीला हो चुका है चारों तरफ, और इधर जो पौधे वौधे लगे हुए हैं यहाँ पे चारों तरफ दे दिए। और दोस्तों हमने पिछली बार एक पौधा पाया था फूलों का, जो कि उसके बहुत सारे फूल आए थे और बहुत मस्त मस्त फूल आए थे, तो उसके बहुत सारे बीज भी हो गए थे, तो वो हमने बहुत सारे बीज ऐसे बिखेर दिए तो वो उगना स्टार्ट हो चुके हैं, तो जब उग जाएंगे और तब फूल आएंगे तब दिखाएंगे आप सभी को, क्योंकि वो सर्दियों के अंदर ही आते हैं। तो अभी जो पौधे हैं वो तो निकल चुके हैं, तो अभी आप सभी को दिखाऊं। तो दोस्तों ये देखिए कुछ ऐसे पौधे हैं ये, तो अभी ये बहुत बड़े बड़े पौधे हो जाएंगे, इसके बाद इनके आएंगे फूल, और कैसे फूल आएंगे वो आप सभी को नेक्स्ट व्लॉगों के अंदर दिखाएंगे। तो बाकी अभी शाम हो चुकी है और सूरज ढल चुका है, तो अभी गाइस अभी सब्जी वब्जी बन रही है, सब्जी वब्जी कटिंग कर रहे हैं मम्मी जी। तो गाइस अभी सर्दी पड़ने लगी तो मैं तो फटाफट से जाता हूँ और स्वेटर वेटर पहनता हूँ, तो अभी चलते हैं और स्वेटर पहनते हैं फटाफट से। फाइनली मैंने स्वेटर वेटर पहन ली और आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो बैंगन है उनकी कटिंग हो रही है, यहाँ पे बैंगन काट रहे हैं, बैंगन और टमाटर की सब्जी बनने वाली है। तो दोस्तों अभी तो मैं तो यहाँ पे जो हमारी साड़ी है यहाँ पे देख सकते हो ये साड़ी है हमारी, तो ये पूरी कंप्लीट हो चुकी है, अभी आगे की शेड बाकी है इसकी, तो अभी फटाफट से मैं इसको खोलता हूँ और आगे टांगता हूँ, तो मिलते हैं आप सभी को इसको खोलने के बाद और टांगने के बाद। तो गाइस अभी मैं साड़ी को खोल के और टांगने वाला था, खोल तो दिया था मैंने और अभी टांगने वाला था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे रखी हुई है हमारी साड़ी, तो अभी इसको टांगने वाला था, टांग में टांग रहा था तो इतने में ही जो लाइट है वो चली गई। हमारी इधर लाइट की बहुत ही ज़्यादा समस्या है और बाहर अंधेरा हो चुका है, आप देख सकते हो चारों तरफ लाइट गई हुई है, आप देख सकते हो किधर भी लाइट नहीं आ रही, इधर भी किधर भी लाइट नहीं आ रही, उधर गाड़ियाँ आ रही है, गाड़ियों का फोकस है। तो गाइज अभी हमारे इधर क्या है लाइट की बहुत 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 ही ज़्यादा समस्या हो रखी है, कभी लाइट दिन में नहीं आती, कभी रात में नहीं आती, कभी आती है कभी नहीं आती, तो हमारे इधर लाइट की बहुत ही ज़्यादा समस्या है। तो फिलहाल लाइट का वेट करते हैं, लाइट आएगी तब इसके बाद इसको टांगेंगे, तो मिलते हैं आप सभी को थोड़ी देर बाद। तो गाइज अभी लाइट तो आई नहीं, आप देख सकते हो अभी लाइट नहीं आ रही है, देख सकते हो गाइज अभी लाइट नहीं आ रही, बाहर भी नहीं आ रही, तो गाइस अभी लाइट तो आ नहीं रही है, तो साड़ी तो कल सुबह टकेगी। तो अभी फ़िलहाल हमारा खाना बन के आ चुका है, यहाँ पे देखिए ये है हमारा खाना, यहाँ पे है बैंगन की सब्जी और रोटी। तो फटाफट से दोस्तों खाना वाना खाते हैं उसके बाद चलेंगे हम घर पे, तो अभी फ़िलहाल खाना वाना कंप्लीट करते हैं हमारा, क्योंकि लाइट तो आ नहीं रही, अब साड़ी कल ही टकेगी, तो फटाफट से खाना खाते हैं उसके बाद मिलते हैं आपसे। इस फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ घर पे, घर पे आ गया हूँ अभी, और अभी लाइट भी आ चुकी है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को करते हैं यही एंड, अभी दुकान वकान से मिटेंगे, तो आज के ब्लॉग को करते हैं यही एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलता है ऐसे ही प्यारे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।